उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के टूंडला में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे के सामने आत्महत्या की धमकी दी। मामला आगामी निकाय चुनाव में वोटों के फर्जीवाड़े की शिकायत पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई ना करने का था। फिरोजाबाद बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ वोटों के फर्जीवाड़े की शिकायत पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई ना करने पर थाना टूंडला में धरने पर बैठे। इस मामले में एक बीजेपी के सभासद और निगम महामंत्री सोम शर्मा ने जिले के सभी आला अधिकारियों से टूंडला नगर पालिका में आगामी निकाय चुनाव से पहले वोटों में हो रहे फर्जीवाड़े की शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई न होने पर समाधान दिवस पर थाना टूंडला में धरना प्रदर्शन किया। डबल जो है वोट होने के साथ मैं बीएलओ को और नगर पालिका ईओ साहब को भी रिसीव करवा चुका हूँ, बट अभी तक किसी भी अधिकारी के कान में कोई जू नहीं रेंग रही है। वो एक निष्पक्ष काम को कराना चाहते ही नहीं है। वो भ्रष्ट आला अधिकारी नेताओं से मिले हुए हैं, उनसे मिलकर वो पैसे लेते हैं, इस कारण वो इन फर्जी वोटों को नहीं कटा रहे। वो इनका उस लोग बीएलओ का साथ देते हैं और हम बीएलओ से कहते हैं, हमारे वार्ड के बूथ संख्या 37 के बीएलओ नरेंद्र सिंह है और 36 के अब्दुल समद जी हैं, उनसे हम कहते हैं बीएलओ फर्जी वोटों को काटो, तो वो हमसे उल्टा जवाब देते हैं, तुम कौन होते हो, हम तो सरकार के आदमी हैं, सरकार की सुनेंगे, तुम्हारी नहीं सुनेंगे, और तुम ज़्यादा ड्रामा करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे। आपने आत्मदाह की धमकी दी? मजबूरन जब मेरे किसी अधिकारी ने नहीं सुना तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी टूंडला आगमन है, मैंने कहा अगर मेरा काम पे समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं उनके सामने आत्मदाह करने को पूरी तरीके से तैयार हूँ।